हेतल प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन ले। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। क्यों आप बार बार मेरे सामने मुझे अपसेट करने आ जाती है? मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं, लेकिन आपके सामने आ जाने से मैं अपसेट हो जाती हूँ। Why can't you see that? I do see that. इसलिए मैं यहाँ पर छुप कर बैठी थी ताकि तू मुझे देख ना सके। मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुझे देखने आई थी और तेरी कॉफी पीने आई थी। बस करिए ये दिखावा। आपकी इन इमोशनल बातों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बताया करिए मुझसे मिलने। ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन ये कैफेटेरिया है, तो यहाँ कॉफी पीने तो आ ही सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एरिया में और भी कई कैफेटेरियाज हैं, आप वहां जाके कॉफी पीजिए। पर जो कॉफी मुझे पसंद है वो सिर्फ यही मिलती है, हेट स्पेशल, जिसमें मेरी हेतल का बहुत सारा प्यार है। आप भूल रही है, उस कॉफी का नाम हेट्स स्पेशल कॉफी है। हेट, नफरत। सो व्हाट, मेरी हेतल के हेट्स में भी बहुत सारा प्यार है। चाहे तुम मुझसे जितनी भी नफरत कर ले, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी। मेरे पास आपके लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो प्लीज फॉर गॉड्स सेक रिक्वेस्ट यू अगेन, बताया करिए मेरे सामने प्लीज। निकल जाइए यहां से, आई बेग यू, लीव एंड नेवर कम बैक। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। आई मीन उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू?
अब और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्य, तेरी शादी में इच्छा से